वेलकम टू माय चैनल बुक स्टूडियो। आशा करता हूँ कि आप सब सेफ होंगे। फ्रेंड्स, कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे यहाँ पे बारिश का माहौल था और बारिश की वजह से प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं मिल पा रही थी इस वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी वीडियो टाइम पे आए और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अभी रिसेंटली 28 जुलाई को एक बड़ा इवेंट हुआ और इस इवेंट में खास बात ये थी कि रस्किन बॉन्ड के जो राइटिंग करियर थे उसको 70 ईयर्स पूरे हो गए और इस उपलक्ष में उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, सॉन्ग ऑफ द इंडिया। खास बात यह है कि 86 ईयर्स का उनका उम्र है और इस उम्र में होने के बाद भी उनका जो राइटिंग के प्रति पैशन है वो कम नहीं हुआ है और वो अभी भी अपनी बुक्स लिख रहे हैं, पब्लिश करा रहे हैं और वो हर एक बुक के साथ वो और फेमस होते जा रहे हैं और सारी बुक्स उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में आती जा रही है। इसी उपलक्ष में हम एक बुक की आज बात करने वाले हैं। ये बुक है स्ट्रेंजर्स इन द नाइट। खास बात इस बुक की ये है कि इस बुक के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो क्या रीजन था जो उनके जेल जाना पड़ा और क्या खास बात है इस बुक की, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। ये बुक दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हैंडफुल ऑफ नट्स और दूसरा पार्ट है द सेंशुअलिस्ट अ कॉशनरी टेल। ये बुक कोई पर्टिकुलर स्टोरी लाइन नहीं फॉलो करती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो इसका दोनों पार्ट है वो अलग अलग इवेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। पहला पार्ट जो है अ हैंडफुल ऑफ नट्स, वो रस्किन बॉन्ड की खुद की कहानी है कि जब वो 21 साल के थे उन्होंने क्या डिसीजंस लिए अपने लाइफ में और वो कैसे उनके आफ्टर लाइफ को इफेक्ट किया। ऑथर बताते हैं कि 21 साल की जो एज होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस एज में आदमी को दो ही चीज चाहिए होती है, पहला होता है पैसा और दूसरा होता है या ब्यूटी। और रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि उनके पास दोनों नहीं था क्योंकि उस टाइम पे वो एक सक्सेसफुल राइटर नहीं थे। अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे पार्ट द सेंशुअलिस्ट कॉशनरी टेल की। द सेंशुअलिस्ट एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि मैनली डिजायर्स का स्लेव हो चुका था और यही कॉज रहा उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। ये बुक तब लिखी गई थी जब देश में इमरजेंसी लागू थी और इस टाइम पे राइटर्स और जर्नलिस्ट सबको बहुत परेशान किया जा रहा था। रस्किन बॉन्ड को इस चार्ज पे अरेस्ट कर लिया गया था कि इस बुक में उन्होंने ऑब्सेनिटी पेश की है। लेटर ऑन उनको बेल मिल गई थी और इसी वजह से रस्किन बॉन्ड के लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इस बुक की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। रिव्यूज को देखा जाए तो काफी मिक्स्ड ओपिनियन मिले मुझे इस बुक पे, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर कोई टाइम और मनी स्पेंड कर रहा है इस बुक को पढ़ने के लिए तो उसको कोई ऐसी बुक पढ़नी चाहिए जो कि इससे अच्छी है। मतलब मुझे ये बुक उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी प्रीवियस बुक्स मैंने रस्किन बॉन्ड की पढ़ी है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास चॉइस है तो इस बुक को पढ़ने के बजाय आप और जो फेमस बुक्स है और अच्छी बुक्स है उनको पढ़े, जैसे रस्टी कम्स होम हो गया, डेली इज नॉट फार हो गया और फिर रस्किन बॉन्ड की बुक है रस्टी, रन्स अवे, द ब्लू अम्ब्रेला। ये सब बुक्स काफी फेमस है और बेस्ट सेलिंग बुक्स में से है। जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज है और इस बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप फिर भी परचेज करके इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से परचेज करके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे हम बुक रिलेटेड कंटेंट्स डालते हैं और इसी तरह के बुक रिलेटेड फैक्ट्स को जानने के लिए, बुक समरीज, बुक रिव्यूज, बुक रिकमेंडेशंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिस इज प्रत्यक्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।